हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। एसएससी एंड एचएससी के एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में होंगे या ऑफलाइन मोड में होंगे, इसके ऊपर डाउट था। रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी ने अपने ट्विटर अकाउंट में ट्वीट करके कहा था कि एसएससी एंड एचएससी के एग्जाम हम लोग ऑनलाइन मोड से कंडक्ट कराने का सोच रहे और उसके ऊपर इनकी तैयारी चल रही है ताकि एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए, उन्होंने ट्वीट किया था। बट उन्होंने पुणे मिरर इस न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एसएससी एंड एचएससी एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन ओनली। इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि जो एग्जाम्स होंगे एसएससी एंड एचएससी के, उनका टाइम उन्होंने वहां पे बताया कि कब एग्जैक्टली एग्जाम कंडक्ट करेंगे। न्यूज निकल के आ रहा था कि मई में एग्जाम होने के चांसेस है, राइट? बट उन्होंने एग्जैक्ट यहाँ पे कहा कि एग्जाम कब कंडक्ट करवाना है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं क्या कहा उन्होंने, टोटली उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, तो सबसे फर्स्ट उन्होंने क्या कहा था, एडमिस इन बिटवीन द कंफ्यूजन ओवर द मोड ऑफ बोर्ड एग्जाम, महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ हैज मेड इट क्लियर दैट द क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन मोड ओनली। जो भी एग्जाम होगा वो कैसे होगा सर, ऑफलाइन ही होगा, राइट? एज पर द रिपोर्ट बाय पुणे मिरर इस न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए कहा था उन्होंने, गायकवाड़ स्टेटेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द पैटर्न ऑफ द एचएससी एंड एसएससी एग्जाम एंड द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड ओनली। तो जो एसएससी एंड एचएससी एग्जाम के पैटर्न है, राइट, उनको कंसीडर करते हुए ये पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट किया जाए। मराठी में पेपर होते हैं, इंग्लिश में पेपर होते हैं, लैंग्वेजेस में पेपर होते हैं, राइट? तो ये काम बहुत ही लेवल पे, मतलब उनको डिफिकल्ट कराने वाला है। आगे उन्होंने सिंपल का कह दिया, हाउएवर शी सेड दैट द एग्जाम विल बी डिलेड एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कंडक्ट द एग्जाम बिटवीन एंड ऑफ अप्रैल एंड द फर्स्ट वीक ऑफ मई। तो जो लोग सोच रहे हैं कि मई के एकदम लास्ट में एग्जाम वगैरह होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने, मैंने ऑलरेडी एक न्यूज यहाँ पे उनको ये भी आया था, वो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि कोकण का जो एरिया है वहां पे क्या होता है सर, बारिश का मौसम होता है, तो वहां का कंसिडर करते हुए एंड जो विदर्भ एरिया है महाराष्ट्र का, राइट, वहां पे ज्यादा धूप होने के कारण जो आपका एग्जाम है वो मई के एकदम एंड में बिल्कुल नहीं होगा, राइट? मई के एकदम एंड में नहीं होगा, मई के मिडल तक ही खत्म करने का उनका ट्राई रहेगा, राइट? इसके लिए उन्होंने कहा एंड ऑफ अप्रैल एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई। कहाँ पे कहा है सर, आइए यहाँ पे देखते हैं। तो एग्जाम कंडक्ट द एग्जाम इन बिटवीन अप्रैल एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई, आई होप आपको क्लियर हो गया रहेगा। आगे उन्होंने इतना ही कहा है कि नॉर्मली एसएससी एंड एचएससी के एग्जाम आर कंडक्ट इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च, हाउएवर दिस ईयर क्या यस सिचुएशन आप सभी को पता है, इसके लिए उन्होंने क्या किया था, एग्जाम्स पोस्टपोन किए थे। एंड आगे उन्होंने कहा यस, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन 2020 ओवर 15.05 लाख स्टूडेंट्स अपियर फॉर द एचएससी 12th के लिए 15 लाख तकरीबन बच्चे अपियर कर रहे, राइट? एंड अगर सपोज आप 10th का डेटा बोलोगे तो 10th का उन्होंने डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो बट 12th के लिए 15 लाख स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं एंड यस, जो भी एसएससी का होगा वो अराउंड वही डेटा होगा, राइट? आगे उन्होंने कहा कि कोविड के केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं डे बाय डे, राइट? तो ये ऑनलाइन मोड तो कंडक्ट होना चाहिए बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा ही एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ जी ने कहा है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, टाइम टेबल कब आता है, आगे के जो भी वीडियोस रहेंगे उसका अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।